सीबीएसई ने इम्प्रूवमेंट प्राइवेट पत्राचार और कंपार्टमेंट और सेकंड कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट के लिए जो री एग्ज़ाम का डेट था वो डिक्लेयर कर दिया है। ये एग्ज़ाम 25 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में होगा, यानी जो अभी से टाइम मिलेगा लगभग 20 डेज़ का टाइम मिलेगा। और सीबीएसई ने ये भी बताया है कि वो रिजल्ट जो है वो 30 सितंबर तक डिक्लेयर कर देगी। डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए सीबीएसई को एक सर्कुलर रिलीज करेगी और उसका टाइमिंग शाम को था 6 बजे के आसपास, लेकिन अभी तक सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे ऐसा कोई सर्कुलर रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे कोई सर्कुलर आएगा हम तुरंत वीडियो लेके आएंगे। लेकिन री एग्ज़ाम जो बच्चे देना चाहते हैं वो अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दें, उनको 20 डेज़ का टाइम मिलेगा और रिजल्ट भी सीबीएसई ने बोला है कि बहुत जल्दी आएगा, जिससे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और कॉलेज के वो आगे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं और उनको एडमिशन भी मिल सकता है, जिससे कॉलेजेस जो हैं वो अपनी डेट को भी एक्सटेंड करेंगे आगे चल के जितनी भी उनकी डेट होगी। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी डेट को बढ़ा दिया है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 15 अक्टूबर कर दिया है, और भी यूनिवर्सिटीज़ अपनी डेट को बढ़ाएंगी, ठीक है। तो बच्चे जो री एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो अपनी तैयारी करते रहें और ठीक है 25 से 15 जो सितंबर है उसके बीच में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और तैयारी करो, आगे चल के उनको एडमिशन मिल सकता है। और डिस्प्यूट सेटलमेंट का कोई भी अपडेट आएगा वो हम लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।